नमस्कार दर्शकों, सत्यमेव जयते में आपका एक बार फिर स्वागत है। सत्यमेव जयते वो कार्यक्रम है जहां पर हम सत्य को जमीन के अंदर से खोद कर बाहर निकाल देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बहस में आखिर में वो सत्य बाहर आए जो कहीं ना कहीं हर हाल में छिपा रह जाता है। बहस तार्किक होनी चाहिए, सार्थक मुद्दों पर होनी चाहिए, इसलिए यहां पर जो बहस होगी उसके अंत में सत्य की ही जीत होगी। और जैसा कि कार्यक्रम का नाम है सत्यमेव जयते, दर्शकों दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, दिल्ली के तमाम दरवाजों पर 11 महीने से किसान नेता अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, विरोध है, प्रदर्शन है और धरना है, तीनों शब्द एक साथ हैं, लेकिन इसके चलते किसी और के जो अधिकार हैं उनका हनन लगातार हो रहा है। क्या इस पर बात करना गुनाह है? क्या इस पर बात करना सरकार की वकालत करना है? वो कैसे? इसी पर लगातार चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, और यह आज से नहीं है, यह लगातार बीते 11 महीनों से। 26 जनवरी को जिन लोगों ने हिंसा की, किसान आंदोलन ने कहा कि हमारे आंदोलन का वो हिस्सा नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद 3 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ, उसके बाद क्या कुछ हुआ सिंघू बॉर्डर पर, जब एक इंसान के हाथ पैर काटकर उसको उल्टा लटका दिया गया। ऐसा तो हमने अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता के तौर पर इसको इससे पहले देखा था, लेकिन एक बार फिर ये सब भारत के अंदर एक आंदोलन के भीतर एक मंच के सामने, और यह आपके लिए किसान आंदोलन है। ठीक है, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, सबके अपने अपने अधिकार हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा पहले भी कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली की गर्दन को दबोचने का काम किया है किसान आंदोलन ने। और एक बार फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, विरोध प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में आप दूसरे के अधिकारों को चोट नहीं पहुंचा सकते। इसको लेकर आज मैं खुद किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर जो चल रहा है उसको देखने गया था, समझने गया था, वहां पर हमने देखा समझा। इसके साथ ही इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा राकेश टिकैत साहब से कुछ बातचीत भी की है। पहले आप ये पूरी संयुक्त रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा को शुरू करेंगे अपने मेहमानों के साथ। काले कानून जो लेकर उसके खिलाफ है, पर तो स्टे है एमएसपी। अब आप एमएसपी पर क्यों आ गए? आपने पहले काले कानून की बात, फिर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दिल्ली का जो गर्दन है उसको दबा कर बैठे हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप सड़कें बंद कर देंगे। आपकी बात हुई क्या सरकार से? मेरी बात नहीं, राकेश जी आपकी बात होती होगी कि रास्ते ब्लॉक है। दरअसल बात यह है, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये भी तो वही सड़क है। आप खुद यहाँ से हट जाइए, सब अपने आप हट जाएगा। बीमारी है कुछ, जिन कानूनों के विरोध में आप दिल्ली जाना चाहते हैं उन पर स्टे है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और भी तो बहुत मामले हैं, स्टे लगा है, सीधा सवाल है आपसे, तो फिर आप क्यों जाना चाहते हैं, बस इतना बताइए। धान क्या रेट बिख रहा है जी? मैं आपसे रामायण के बारे में पूछ रहा हूँ, महाभारत पे जा रहे हैं। महाभारत में बिख रहा 800 रुपए क्विंटल। लाखों करोड़ों का जो अनाज पड़ा हुआ है भंडारण में, उसका क्या करें? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए आप उत्तर प्रदेश में ज्यादा एक्टिव हो गए। धान अभी कटिंग होगा, वो सीधा धान मंडी में जाता है, वो अभी बिकेगा ना, चुनावों तक ही बिकेगा। एक के हाथ में माइक दे दिया, वही सारा सवाल वही कर रहा। जो कृषि के एक्सपर्ट हो उनको लगाना चाहिए। आप पढ़े लिखे होंगे, 370 के भी एक्सपर्ट नहीं है, आप भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के एक्सपर्ट नहीं है। आप ठीक है यार, कभी कभी तो कनेक्शन तेरा ठीक पकड़े। मेरे पीछे दिल्ली है और मेरे सामने बिल्कुल है उत्तर प्रदेश। यही लड़ाई है और यही जंग का दरअसल मैदान बना हुआ है सरकार और किसानों के बीच। आज आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की जा रही हैं, पीआईएल फाइल की जा रही हैं कि आखिर ये सड़क क्यों बंद है। ठीक है, सरकारों के सामने किसानों ने मांग रखी है, किसान नेताओं की मांग है, उनकी कुछ डिमांड्स हैं जिसको लेकर सरकार अभी तक मानने के मूड में नजर नहीं आई। हालांकि बातचीत का दौर भी रहा, लेकिन अभी तक कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन लगातार जो स्थानीय लोग हैं और बाकी जो लोकल लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिर इस रास्ते को क्यों बंद किया गया है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये जो रास्ते हैं इनको खोलने की जरूरत है, क्योंकि आपको राइट टू प्रोटेस्ट तो है, आप विरोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते कि आप उनके रास्तों को बंद कर दें। जिसके बाद आज राकेश टिकैत साहब, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता हैं, उन्होंने यहां पर प्रतीकात्मक रूप के तौर पर यहां से अपने बैरिकेड्स हटा दिए। अपने बैरिकेड्स हटाने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर यह मैसेज, यह संदेश देने की कोशिश की है कि दरअसल हमारी वजह से ये रास्ते बंद नहीं हैं, ये रास्ते बंद हैं दिल्ली
की तरफ से और दिल्ली की तरफ से बंद किए गए हैं पुलिस की तरफ से। तो दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद किए हैं, ये उनकी तरफ से रास्ते बंद नहीं है, ये कुछ कहा राकेश टिकैत साहब ने। उनसे हम अभी बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे वो क्या कुछ अभी करने वाले हैं और क्या कुछ कहने वाले हैं, आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है। तो आइए राकेश टिकैत साहब के पास चलते। तो जो पूरी खबर थी वो आपको दिखा चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, या फिर मैं यूं कहूं कि संयुक्त किसान मोर्चा के आप पूरे सबसे बड़े नेता बनकर अब तो सामने आ गए। तो ये बताइएगा राकेश टिकैत साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, एक सुनवाई को करते हुए, मोनिका अग्रवाल एक महिला हैं, उन्होंने PIL डाली थी, उस पर उन्होंने सुनवाई करी, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको राइट टू प्रोटेस्ट है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन सड़कें नहीं रोक सकते। अब आपने जो कुछ किया, आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद यहाँ से हट जाइए, सब अपने आप हट जाएगा। क्यों बीमारी है कुछ, कौन से स्कूल में पढ़े आप, नाराज हो गए? नहीं नाराज नहीं, मैं तो पूछ रहा भाई कौन से स्कूल में। ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से हट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहने का तरीका ये, हाँ सुन लिया जो कहा मैं सुन लिया, मैंने यही तो पूछा कौन से स्कूल में पढ़े हैं। स्कूल का नाम बताओ फिर बताऊंगा। आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा। आर्मी में देखो अभी क्या भाव बिकता है, जैसे तो गन्ने का भी मूल्य पता है कि 350 समर्थन मूल्य हो गया है, बाकी जगहों पर कम चल रहा है, यहाँ पर फिर भी ठीक मिल रहा है। उस पर नहीं जाएंगे राकेश साहब, राकेश जी उस पर नहीं जाएंगे। अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि यहाँ पर बताया गया था हमको कि आप बैरिकेडिंग्स हटा रहे हैं, आप हटा के ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि पुलिस ने रोका है रास्ता, दरअसल आपने नहीं रोका। पुलिस ने तो रोक रखा है, हमने तो रोका ही नहीं। गाड़ी से आए होंगे ना राकेश जी आप पर, अभी यहाँ गाड़ी से आए होंगे ना? हाँ तो गाड़ी चलक आई ना? हाँ लेकिन आगे नहीं जा सकती ना राकेश जी। किसने रोक रखा राकेश जी? किसने रोक रखा राकेश जी? देखिए स्पष्ट बात करेंगे राकेश जी, ये देखिए कि बैरिकेडिंग लगी है, पुलिस के द्वारा लगाई गई है, दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाई गई है, वो आप ही की तो सुरक्षा के लिए है। तो रास्ता किसने रोका फिर? बैरिकेडिंग जिसने लगाई, कह दीजिए कि हम यहाँ पर नहीं है तो फिर ये क्यों लगे रहेंगे? तो हम भी चलेंगे ना आगे। अब दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, और कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? लेकिन अब देखिएगा राकेश जी स्पष्ट बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगा हुआ है तो फिर अगर आप कोर्ट में भी इसको लेकर खड़े हैं, आप सड़क पर भी इसको लेकर खड़े हैं, MSP पर कौन करेगा? ऐसे तो फिर आपकी डिमांड्स बढ़ती चली गई। आप तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आए थे, फिर हम MSP कर गए, फिर आपने नेता की बर्खास्तगी की मांग की, आप बढ़ते चले गए। लेकिन जो मूल है, जो आपका जो प्रोटेस्ट है, तो MSP भी है, MSP भी तो मूल है, MSP को लेकर भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। और बिजली अमेंडमेंट बिल और सीट बिल, ऐसे तो राकेश जी फिर मांगों का जो सिलसिला है वो थमेगा ही नहीं। मांगों का सिलसिला कहाँ थम रहा? हमने कब कहा कि मांगों का सिलसिला थमेगा? ये किसने कहा? राकेश जी आप पहली दफा जब बॉर्डर पर आए थे तब आपने सीधे कहा था तीन कृषि कानून वापस ले लीजिए, हम वापस चले जाएंगे। ले लेते जब भी ले लेते तो भाई दो दिन का स्टे तो लगा है राकेश जी, आप ये बताइए स्टे तो लगा हुआ है? तो नहीं लग रहा स्टे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। आपको विश्वास तो होगा, भरोसा तो होगा कानून प्रक्रिया पर, तो विश्वास होगा। कह रहा है कि वो दिल्ली में लग रहा होगा, यूपी के लोग तो नहीं मान रहे उसे, स्टे को ना वहाँ का व्यापारी मान रहा ना वहाँ की सरकार मान रही, वहाँ तो उसी कानून का पालन हो रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा राकेश जी तो सभी को मानना पड़ेगा, उसमें कौन सी सरकार, क्या पार्षद, क्या विधायक। आप जाओ जहाँ के आप रहने वाले हैं, आपके पूर्वज, आप वहीं जाओ और ये बताओ कि धान क्या रेट बिक रहा है। आप पर्सनल कर रहे हैं, मेरी बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है तो आप ये जनता पूछ रही है, आप जनता को बता दीजिए कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ लगा रखा है उसका पालन नहीं हो रहा। यूपी में वे कानून लागू हुए हैं, अब वे कानून बिहार में लागू हैं, पूरे देश में उन कानूनों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पर लगा रखा लेकिन देश में वो कानून लागू हुए हैं, कैसे मुमकिन है? ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी कानून पर स्टे लगाकर बैठा है राकेश जी तो वो कैसे लागू हो सकता है? आप जाओ ना भाई गाँव में, मंडी के बाहर खरीद हो रही है, तो फिर तो आपको सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए, आपको PIL खुद डालनी चाहिए आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, कुछ दिनों पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दिल्ली का जो गर्दन है उसको दबा कर बैठे हुए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको राइट टू प्रोटेस्ट है लेकिन ऐसे नहीं है कि आप सड़कें बंद कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तो आपके खिलाफ ही बोल रहा है, आपको तो सुप्रीम कोर्ट को इतला करना चाहिए कि दरअसल इतला तो हो रही है उनको, बता रखा बताया है सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को बता। कुछ दिनों पहले राजस्थान हाई कोर्ट के सामने एक याचिका दायर की गई थी, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बात कही कि आप ये समझिए कि कोई चीज़ है, अगर आपने कोर्ट में उसको पहले से कह रखा है वो सब जुडिस है मामला, तो आप फिर सड़क पर क्यों है? जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और इसके साथ ही सरकार ने भी कहा है कि ठीक है अभी हमने इसको लागू करें, MSP भी तो है। अब आप ये बताइए, अब तीन कृषि कानूनों पर स्टे हो गया, MSP पर भी आपको कुछ मिल जाता है, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि अभी तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हुई, फिर आप कहेंगे बिजली को संशोधित बिल नहीं आया, क्यों नहीं है कहेंगे?
यहाँ देश में तो बोलने का तो अधिकार है ना। राकेश टिकैत जी, किसान आंदोलन दरअसल किन मुद्दों पर है? किसान आंदोलन तो एक ही मुद्दा का समाधान करवा दो भाई। वही एक मुद्दा बताइए। एक मुद्दे में सब हो जाएगा, उसमें किसी कानून की उसकी जरूरत ही नहीं। 1967 में जो हमारे फसलों के रेट थे, हम कौन सा सामान बेच के बाजार से क्या चीज़ खरीदते थे, वो केंद्र बिंदु हमारा तय करवा दो। ठीक है राकेश जी, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने एक बात कही कल। उन्होंने कहा कि सिर्फ वार्ता से ही समाधान है। अब किसानों की और सरकार की वार्ता जो पहले हम देखते थे, हर हफ्ते हुआ करती थी, तीसरे दौर की, चौथे दौर की, अब राकेश जी वो नज़र नहीं आ रही। तो ये वार्ता नहीं हो रही है, तो वार्ता नहीं हो रही है तो समाधान कहाँ है? और सरकार जब वार्ता करने नहीं जाती ना समाधान, हम संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार समाधान तो संघर्ष की तरफ लेकर जाती है, हम वहां पर जाना नहीं चाहते। सरकार अगर कुछ संशोधन के साथ आपके सामने कुछ रखती है तो आप मानने के लिए तैयार हैं? मतलब हट है, जिद है कि सब कुछ जो चाहिए। आपकी बात हुई क्या सरकार से? नहीं, मेरी बात नहीं राकेश जी, आपकी बात होती होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ राकेश जी, एक और चीज़ कि आप ही के पुराने साथी हैं, उनसे एक दो दिन पहले मुलाकात हुई। भानु प्रताप सिंह जी का जिक्र कर रहा हूँ, भानु भाकियों के, भानु गुट के नेता, आप जानते हैं, वो आपको जानते हैं? ना, मैं नहीं जानता कोई, वो तो निकाल दिए थे हमने। वो आप पर काफी आरोप लगा रहे थे, उसको आरोप तो लगाई करे भाई। तो अब ये बताइए राकेश जी, आपने तो ठीक है बैरिकेडिंग हटा दी, सबने देख लिया, हर चैनल पे चल गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन पुलिस की तरफ से तो नहीं हटी है। अच्छा, आप यहाँ के यही हैं, हमारे पे क्या इलाज है? आप बैठे हैं तो सुरक्षा की भी तो फिर गारंटी सरकार की ही है। अच्छा, सुरक्षा इधर से कौन लेगा सुरक्षा की गारंटी? यहाँ भी पुलिस लगी हुई है, वहाँ भी पुलिस है, ऊपर भी है। तो बताओ हमारे पे क्या इलाज है जब पुलिस लगी रही सुरक्षा? रास्ते ब्लॉक हैं, दरअसल बात यह है। रास्ते बंद राकेश जी, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये भी तो वही सड़क है। अरे जब आगे का खुल जाएगा तो हम भी चलेंगे। अच्छा, आप दोनों के बीच में ये चल रहा है कि आप खोलिए, वो कह रहे हैं आप खोलिए, लेकिन जनता तो पिस रही है ना राकेश जी। अब वो खोल देंगे तो आप यहाँ से हट जाएंगे, आपके कहने का मतलब ये? हट जाएंगे, हम भी आगे चलेंगे। आप दिल्ली जाना चाहते हैं? दिल्ली को बैन है हमारे पे, दिल्ली नहीं जा सकते। जंतर मंतर जाना चाहते हैं? क्या पता हम कहाँ जाएंगे भाई। आप दिल्ली पुलिस के एडवोकेट हो गया? नहीं नहीं, मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूँ राकेश जी, आप दिल्ली जाना चाहते हैं? आप दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहेंगे? मैं जाना चाहते हैं, दिल्ली तो देश की राजधानी भाई। जिन कानूनों के विरोध में आप दिल्ली जाना चाहते हैं उन पर स्टे है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उसके लिए जाना चाहूँ, और भी तो बहुत मामले हैं। एमएसपी भाई राकेश जी, जो बालक पैदा नहीं हुआ उसका मुंडन आप कराने पर क्यों तुले, जब कानून है ही नहीं, स्टे लगा है, सीधा सवाल है आपसे, तो फिर आप क्यों जाना चाहते हैं, बस इतना बताइए। धान क्या रेट बिखरे राकेश जी, आप मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए, मेरा सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब दे दीजिए। धान क्या रेट बिक रहा, एमएसपी क्या है? राकेश जी, मैं आपसे रामायण के बारे में पूछ रहा हूँ, महाभारत पे जा रहे हैं, मुझे इतना बता दीजिए राकेश जी। धान की खरीद तो अब हो रही, आप दिल्ली में रहने वाले आदमी यहाँ पड़े गाँव का पता नहीं, आपके चैनल पे एग्रीकल्चर को कौन देखता है? ठीक है, हमें भी तो दफ्तर जाना होता राकेश जी। एग्रीकल्चर को महाराज कौन देख रहा है? एग्रीकल्चर राइडिया है कि एक की भर्ती कर ले, सारे डिपार्टमेंट उसे ही देते, इलाज तो देश का नहीं हो गया। भारत सरकार की एमएसपी है 1900 रुपये पर क्विंटल, बिक रहा है 1100 रुपया, बिहार में बिक रहा है 800 रुपये क्विंटल। लाखों करोड़ों का जो अनाज पड़ा हुआ है भंडारण में, उसका क्या करे, ये भी तो आपको भी सोचना होगा। किसान की गलती है क्या कि किसानों, सरकार की भी गलती है? नहीं, किसान की गलती है क्या कि उत्पादन किसान ने कर दिया? और भी चीजें, फिर उस पर अगर हम लोग जाएंगे तो फिर वो बहुत लंबा। भाई तू जाने कहीं पर जाना चाहता जा, उसका जवाब दे दूंगा, उन्हें जा कहीं पर जाना चाह। राकेश जी, सरसों भी उगा सकते हैं, तेलहन भी उगा सकते हैं, चावल। हाँ, अरे मैं सभी को तो बता रहा हूँ ना, जो एमएसपी भारत सरकार ने तय कर दिया उस पर आप कानून बना दो, सरकार को जितना खरीदना उतना खरीद ले, उसके कम पे कोई व्यापारी खरीद दे उस पर कानून बना दो। तो हटी नहीं सकती राकेश जी, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, बीमारी का तो कोई इलाज है नहीं। एमएसपी कहाँ हट सकती, कैसे कैसे हट सकती है एमएसपी, ये बताइए। पढ़ा कभी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। और जी भैया कह गए बियाड़ा ही नहीं कुछ दिया, क्या बताया तू भाई? राकेश जी, आप, मैं आपसे सवाल कुछ करता हूँ, आप जवाब कुछ देने लगते हैं। मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ, ये कहा हमने, फिर समझ लो, फिर सुन लो ज्ञान की बात। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बना दो, सरकार को जितना खरीदना है वो एमएसपी पे खरीद कर ले, किसी व्यापारी को खरीदना है वो एमएसपी के नीचे ना जाए, उसको उसका व्यापार नहीं करना, उसका बाजरे का व्यापार उसको नहीं करना, मत करे कोई किसान बेचने थोड़ा जा रहा है उसको।
वो इसके सस्ते पर ना खरीदे, उस पर कानून बना दो, जो इसके नीचे पे खरीद करेगा उसको सजा होगी, जुर्माना होगा, मत खरीद करें। तो सेंटर से डिमांड है आपकी, और किससे डिमांड है, आप लोग को पता ही नहीं चला किससे डिमांड है। फिर आप राज्य राज्य कैसे वहां पर जाके आपके जो आंदोलन चलने लगते हैं अचानक से, जैसे अभी आरोप लग रहा है आप पर कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए आप उत्तर प्रदेश में ज्यादा एक्टिव हो गए इस वक्त। मैं जो सख्त बीमार हो उसका इलाज करूं, और जो जान बावड़ा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए उसका इलाज ही होता। अभी बताइए, अचानक से किसानों की समस्या बंगाल में हो गई, अब अचानक से उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो गई। धान की अगर फसल अब आ रही है तो बिकेगी, तो अभी धान अभी कटिंग होगा वो सीधा धान मंडी में जाता है, तो अभी बिकेगा ना, चुनावों तक ही बिकेगा। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव तक नहीं, जो अब आ गया फसल अभी कटेगी वो खेत से सीधी बाजार जाती है, अगर फसल अब आ गई है तो अभी जाएगी। राजेश तो सस्ते में अभी खरीदी जा रही है, आप केएमपी पे जाओ 2000 ट्रक इसी केएमपी से निकलता है भर के। एक और सवाल था, आप नाराज ना हो तो, आपकी लड़ाई बीजेपी से है कि सरकार से है? सरकार से, सरकार से है, केंद्र सरकार से है आपकी लड़ाई? सरकार से, ठीक है। क्योंकि गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर भी चर्चा रही, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, एमएसपी को लेकर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। आप जानकारी करो, राइट तो यह होगी कि एक के हाथ में माइक दे दिया, वही सारे सवाल वही कर रहा, जो कृषि के एक्सपर्ट हो उनको लगाना चाहिए। आप पढ़े लिखे होंगे, 370 के भी एक्सपर्ट नहीं है, आप भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के एक्सपर्ट नहीं है, आप 370 पर बोलते हैं। क्या बोला मैंने 370 पर? मैंने ये बोला कि जब से वहाँ की 370 धारा हटी, वहाँ के किसानों को जो ड्यूज होते थे, जो यहाँ से पैसा जाता था सरकारी फंड, वो वहाँ से फंड कट गया, वहाँ के किसानों को नुकसान है। वो ये नहीं कि वो कश्मीर वालों को, ये जो जम्मू से शुरू होता है, यहाँ पर बहुत पैसा जाता था भारत सरकार का, वो उन्होंने फंड देना बंद कर दिया। पहले उनको बिजली फ्री मिलती थी, अब उनको चार्ज देना पड़ता है, तो वहाँ की जनता नाराज है, ये कहा मैंने। मैंने उसका वो नहीं करा, हमने कहा कि 370 हटकी, लेकिन उनका फंड जो भारत सरकार से जाता था वो फंड से नाराज है, लोग 370 से नाराज नहीं। चलिए ठीक है, राकेश जी, एक और सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसान आंदोलन की एवज में, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके अंदर अंदर लखीमपुर जैसी घटना हो जाती है, उसके बाद जो अभी सिंगू बॉर्डर पे जो कुछ हुआ वो कुछ हो जाता है, तो इन घटनाओं की जब ये हो जाती हैं तब कोई जिम्मेदारी लेने नहीं आता, आप भी पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे यहाँ के नहीं थे, बाहर से आए थे, वो लोग कहते हैं कि आपके थे, तो फिर लेकिन हत्याएं तो हो रही है ना। ये किसने करी लखीमपुर की हत्या? आपकी जानकारी जैसे प्यार से बता दो, आपकी जिसे जानकारी, वो तो फिर उसमें है, शामिल है, गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है वो गिरफ्तार भी है, वो तो है ही सब कुछ। गृह राज्य मंत्री कहाँ जाएगा? मांग कर रहे हैं, वो अभी तक हुआ नहीं है, बरखास्त हुआ नहीं ना, गृह राज्य मंत्री भी तो उसमें शामिल है। लेकिन आपने भी तो अपने लोगों का इधर का बचाव कर लिया, नहीं यहाँ कहा कि इसको हत्या नहीं माना जाएगा, इन लोगों ने जो रिटेलिएट किया उसको हत्या नहीं मानेंगे। वो 6 घंटे में जेल चला गया, चला गया ना, उनको भी जेल भेज दो 6 घंटे में, किसी का तो गिरफ्तार हो गया, बिट्टे का क्या होगा। बाप लेकिन आप ही तो पहुंच गए थे, आप ही ने वहां पर जाकर, आप ही डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब के साथ बैठकर आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ठीक है अभी ये जांच के लिए इनको समय चाहिए, समय आप ही ने दिया था 5 दिन का, आप ही ने समय दिया था 5 दिन का, 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद मूवमेंट कैसे, 5 दिन के बाद गिरफ्तारी भी तो हुई उनके बेटे की, आशीष की, बेटे नहीं, बापू कहाँ जाएगा। आप कह रहे हैं उनके पापा को, उनके पिताजी को भी पकड़ी है, 120 बी का मुलजिम है, साजिश की है उन्होंने, आप ये कह रहे हैं 120 बी 302 धारा से भी खतरनाक हो, 120 बी साजिशन, हाँ साजिशन है, उसमें दोषी है और मुकदमा दर्ज है। तो आप कहिए, आपकी तो सरकार से सीधे बात भी होती है, आप कहिए कि हाँ इनको बर्खास्त करिए, इनका इस्तीफा दीजिए, क्योंकि अगर वो सरकार में रहेंगे तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, नहीं होने की। ठीक है यार, कभी कभी तो कनेक्शन तेरा ठीक पकड़े, ठीक है, आपको बी टीम भी बता देते हैं कभी कभी बीजेपी के कुछ लोग, फिर आंदोलन कहीं के लिए चल रहा है, वही तो और फिर ये समाधान करवा दो, हम बी टीम है तो। आप उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का चेहरा थे, सबसे बड़ा चेहरा थे, अब देखते ही देखते आप पूरे देश के किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही हैं आप। हम तो जो काले कानून जो लेकर आए उसके खिलाफ हैं, पर तो स्टे है एमएसपी, अब आप एमएसपी पर क्यों आ गए, आपने पहले काले कानून की बात की उस पर तो स्टे है। एमएसपी, एमएसपी बिजली अमेंडमेंट बिल,
सीड बिल, मतलब बहुत सवाल है। चलिए ठीक है राकेश जी, अभी आपने यहाँ पर साफ कह दिया है कि हमने यहाँ से हटा लिया, आप भी हटा लीजिए, रास्ता खोल देंगे। हमारा पहले से भी हटा हुआ था। आप कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से जो कुछ है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। तो अभी राकेश टिकैत जी हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो तो पहले से यहाँ से हटे हुए हैं, दरअसल दिल्ली पुलिस है कि जिसकी वजह से ये रास्ते जो है यहाँ पर ब्लॉक है, दरअसल दिल्ली पुलिस है कि जिसकी वजह से यहाँ से लोग जो है आ जा नहीं पा रहे। बाकी राकेश जी ने बाकी तमाम मुद्दों पर भी हमसे बातचीत की और खुलकर उस पर चर्चा भी की है, हालांकि वो थोड़ा सा नाराज नजर आए लेकिन फिर भी कुछ नहीं चलता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो क्या बीते 11 महीनों से ये जारी किसान आंदोलन अपने अंत की ओर बढ़ चुका है, क्योंकि आज किसानों ने पहली दफा बैरिकेडिंग अपनी हटा दी है, यानी कि उन्होंने दिल्ली में जिस जगहों पर उन्होंने दरअसल अपने एक अस्थाई घर से बना लिए थे, वहां पर जो बाउंड्रीज थी, जो रेखाएं खींची गई थी, जो उन्होंने खुद के अपने पर्सनल बॉर्डर्स बनाए थे, उनको दरअसल आज हटा लिया। तो आज गाजीपुर बॉर्डर पर जो रेखा खींची गई है, जो बंदी की गई है, वो दरअसल अब सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ से रह गई है। किसान आंदोलन की तरफ से फिलहाल किसी भी तरीके की कोई भी बैरिकेडिंग, कोई भी रेखा वहां पर नहीं खींची गई है। तो किसान आंदोलन जो है वहां पर चल तो रहा है, अस्थाई रूप से घर तो हैं, टेंट भी हैं, किसान भी हैं, सब कुछ है, लेकिन किसानों ने जो अपनी पहले रेखाएं खींची थी, जो अपनी बाउंड्री स्थापित की थी खुद से, उसको आज हटा लिया है। क्यों हटाया है? इसके पीछे लगातार सुप्रीम कोर्ट जो डंडा चला रहा था ऊपर से, उसको लेकर आज किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत साहब खुद पहुंचे, जो आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने खुद प्रतीकात्मक तौर पर वहां से बॉर्डर से वहां पर बैरिकेडिंग्स को हटाया, जो किसान आंदोलन की तरफ से लगाई गई थी, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के बैनर और झंडे टंगे हुए थे, उसको खुद से हटा दिया। अब वहां पर बॉर्डर के रूप पर जो चीजें नजर आती हैं, जो बैरिकेड्स नजर आते हैं, वो दरअसल दिल्ली पुलिस के हैं। और इसके जरिए किसान ये मैसेज देना चाहते हैं, किसान नेता ये कहना चाहते हैं कि दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर अब जो रास्ते बंद किए गए हैं वो हमारी तरफ से नहीं है, वो दिल्ली पुलिस के हैं। मतलब हम साफ हैं, हम पाक साफ हैं, अब जो रास्ते बंद कर रही है वो दिल्ली पुलिस है। लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं, लोगों को रास्ते बंद होने के चलते जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो दरअसल दिल्ली पुलिस की तरफ से। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो यहां से कब हटने वाले हैं, वो इन रास्तों को कब खाली करेंगे, उन्होंने ये नहीं हटाया, उन्होंने बताया, उन्होंने दरअसल सिर्फ इतना कहा कि ये जो बैरिकेडिंग्स हैं, जो रास्ते बंद किए गए हैं, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से। दर्शकों, 11 महीने के किसान आंदोलन में सब कुछ देखा गया है। किसान आंदोलन के अंदर आपने हिंसा भी देखी, आपने उत्पात भी देखा, हंगामा भी देखा, हर तरीके की चीजें देखी गई। इससे पहले 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 9 लोगों की जान भी चली गई। इसके बाद सिंघू बॉर्डर पर सबसे दर्दनाक तस्वीरें, इस देश की सबसे दर्दनाक तस्वीरें पूरे भारत में देखी, समूचे भारत में देखी। और यह सब कुछ हो रहा था किसान आंदोलन के अंदर, यह सब कुछ हो रहा था फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर, ये सब कुछ हो रहा था एक आंदोलन के अंदर जो कि कहता है कि वो सिर्फ सरकार के खिलाफ है। इसी मुद्दे पर आज की चर्चा है, इसी मुद्दे पर आज की बहस है, जिसपे हम अपने साथ कई लोगों को जोड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर अंदर ही अंदर क्या बात चल रही है, क्या आखिर किसान आंदोलन सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव तक के लिए एक्टिव है या फिर इसका आगे की भी कुछ रणनीति है। क्या किसान आंदोलन चुनाव को लेकर ज्यादा हाइपर एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है या फिर इस किसान आंदोलन के अंदर भी कुछ है? क्योंकि दर्शकों, एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि किसान आंदोलन जिन कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था, उन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे लगा हुआ है, उन कृषि कानूनों पर सरकार ने भी साफ किया है कि वो अभी इनको लागू करने नहीं जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि जब कोई कानून लागू नहीं है तो फिर आप सड़क पर किस लिए विरोध कर रहे हैं? आप क्या कोर्ट का भी विरोध कर रहे हैं? क्या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? ये सब चीजें हैं। तो दो एंगल्स हैं स्टोरी के, देयर आर टू एंगल्स। एक एंगल ये है कि क्या किसान आंदोलन के अंदर किसान नेताओं को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। दूसरा एंगल ये है कि क्या किसान आंदोलन के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं रह गया है, वो वजहों की तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून की बात हुई, फिर चंद दिनों बाद एमएसपी की बात हुई,
फिर कुछ दिनों बाद कुछ और मुद्दे धीरे धीरे एड ऑन करते गए। अब तीन कृषि कानूनों पर पूछते हैं तो बताया जाता है कि स्टे है, लेकिन अन्य मुद्दों को लेकर अब किसान आंदोलन चल रहा है। तो ऐसे पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जहां किसान आंदोलन तीन कृषि कानून से शुरू हुआ, उसके बाद एमएसपी के रथ पर सवार हुआ, उसके बाद 26 जनवरी की हिंसा हुई और सरकार और किसान आमने सामने रहे, मुद्दा वहां चलता रहा। लेकिन इसके बाद 3 अक्टूबर हुआ, 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी कांड हुआ जिसपे 9 लोगों की मौत हुई। 4 किसान थे, 4 बीजेपी के लोग थे और 1 पत्रकार। किसान आंदोलन अब कहां पहुंचा? अब किसान आंदोलन पहुंच गया लखीमपुर खीरी, जहां पर कहा गया कि एक गृह राज्य मंत्री हैं टेनी साहब, उनको बर्खास्त करो, उनके बेटे को गिरफ्तार करो। यह किसान आंदोलन की मांग थी। बेटे की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब किसान नेताओं का कहना है कि नहीं, इतने से नहीं चलेगा, अजय मिश्रा टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं उनको भी बर्खास्त करो, उनके ऊपर 120B यानी साजिश का मुकदमा दर्ज है, उस पर कार्रवाई करे सरकार। तो यह सब कुछ चल रहा है। इसके बाद सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर बताया गया कि एक धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की गई, जिसके बाद बेरहमी से एक युवक को, एक 35 साल के शख्स को उल्टा लटका दिया गया, उसके हाथ पैर सब काट दिए गए, उल्टा लटका दिया गया। यह है किसान आंदोलन, ये सब कुछ किसान आंदोलन है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे सवित मलिक साहब, है किसान नेता हैं, विनोद सिंह है नेता कांग्रेस है, अनिता अग्रवाल जी हैं प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों लोगों का, चारों लोगों का माफ कीजिएगा, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। ठीक है, शुरुआत उन्हीं से करेंगे जो पूरे इस कार्यक्रम की जो कोर वैल्यू में है, वो है सवित मलिक साहब। सवित मलिक साहब, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भैया क्यों रास्ते घेर के बैठे हैं, अब तो हट जाइए, अब तो आम लोगों को सांस लेने दीजिए, अब तो आम लोगों को निकलने दीजिए, कब तक परेशान करेंगे? हमारे साथ में विनोद प्रमुख जी भी हैं, सभी स्वागत है। हाँ, मैं कह दिया विनोद सिंह जी, हाँ कांग्रेस से। नहीं ये प्रमुख है विनोद मलिक, अच्छा RLD से, रालोद से, माफ कीजिएगा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको बताना चाहता हूँ, आपने काफी बातें दर्शकों को बताई, आपने जो आज के लिए पूछा और आपने पूरा घटनाक्रम बताया बहुत अच्छे से आपने बताया, लेकिन उनमें जो कमियां हैं मैं उनको सुधार कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, हमारी खुद की याचिका थी एक संगठन की राजस्थान से, कि हम 200 लोग जंतर मंतर पर धरना देना चाहते हैं, उस पर तो याचिका की राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि वो तो स्टे लगा हुआ है, राजस्थान हाईकोर्ट ने ही कहा था, उसको लेके ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और उसी में ये सब हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए जी। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो 40 संगठन है, वो कोई भी उसमें पार्टी नहीं था, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम मानेंगे, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं जो सरकार में लोग बैठे हैं क्या वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं? ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा हमारा? ठीक है सवित मलिक साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं क्या? गाजीपुर बॉर्डर का जो रास्ता है वो खाली कर दिया गया है? मैं बता रहा हूँ आपको, हमने कभी भी रास्ता नहीं रोका है, जब हम पंजाब से चले। ठीक है, गाजीपुर बॉर्डर पर जो अस्थाई मकान बने हुए हैं, अस्थाई टेंट लगे हुए हैं, जो टेंट है एक पूरा शहर सा बसा हुआ है, ये किसका है? अरे मेरे भाई, जब आप पूरा जवाब नहीं सुनोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे, कैसे दे पाएंगे? ठीक है, आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए। ठीक है, बोलिए। जब हम पंजाब से चले तो इन लोगों ने हमारे ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी, प्लास्टिक की गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, गड्ढे खोदे, तमाम चीजें इन्होंने की, और आने के बाद बॉर्डर पे इन्होंने फोर्सेज लगा दी और वहां पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए, उसके बाद में इन्होंने सीमेंट की सड़कें के ऊपर बैरिकेड बना दिए और उनके ऊपर वो नुकीले तार लगा दिए जो जानवरों के लिए प्रतिबंधित हैं, और उसके बाद इन्होंने कीले काट दी और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि रास्ता हमने बंद किया। जब जंतर मंतर रामलीला मैदान पे अन्ना हजारे जी आंदोलन कर सकते हैं, रामदेव जी कर सकते हैं, बीजेपी अपनी रैली कर सकती है, तमाम पार्टियां कर सकती है, तो क्या किसान अन्नदाता देश का दिल्ली में आंदोलन नहीं कर सकता है?
ठीक है, अब मैं जवाब दे सकता हूँ। हमने कभी रास्ते नहीं रोके थे, ना आज रास्ते रोके हैं। रास्ते सरकार द्वारा रोके गए हैं, हम रास्ता खुलवाने के पक्ष में है, रास्ता खुलना चाहिए। और हमारा आंदोलन अहिंसावादी है और गांधीवादी है। हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे परिवार के 700 कुछ लोग शहीद हो चुके हैं, और जो ये मैडम हंस रही हैं, तो फिर ये कौन सी अहिंसा है? ये कौन सी अहिंसा, ये कौन सा अहिंसक आंदोलन चल रहा है जहां पर 700 लोग शहीद हो गए? शहीद होना क्या हिंसा होती है क्या? तो किसी के द्वारा तो हिंसा की गई होगी, तभी तो शहीद। अरे मेरे भाई, आपको ये सही वहाँ कैसे हुए हैं? वहाँ सरकार के निकम्मे पन से शहीद हुए हैं, लापरवाही से हुए हैं। वो कभी ठंड में हुए हैं, कभी गर्मी में हुए हैं, कभी बीमारी से हुए हैं। और जो लाल किले की घटना है, वो भी मैं आपको बता दूं, जो उसमें लोग थे वो इनके पार्टी के गृह मंत्री के घर पर नाश्ता पानी कर रहे थे, और वही लोग वहाँ झंडा फहरा रहे थे। और अभी जो घटना हुई है, हाथ काटने वाली और लटकाने वाली, वो आदमी केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलता है और कृषि मंत्री द्वारा उसको पैसा दिया जाता है। उसने हाँ करिए, 1,00,000 रुपए ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। सावित मलिक साहब, देने का वादा किया है। सावित मलिक साहब, एक एक कमेंट सबसे ले लूंगा, फिर इस डिबेट को पूरा खोल देंगे, ठीक है। अब मैं अनीता अग्रवाल जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सावित मलिक साहब, आपने जो बातें कही उस पर थोड़ा सा आपको कमेंट कर दूं। आपने अन्ना आंदोलन का जिक्र किया, अन्ना आंदोलन में कहीं भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लाल किले पर चढ़कर वहां पर झंडा उतार दिया गया हो या हिंसा की गई हो। उसके बाद आपने 26 जनवरी की घटना का जिक्र किया, इसके नहीं साबित मलिक साहब, सुन लीजिए, आंदोलन खराब करना है, बीजेपी के लोग घुसघुसता करते हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। आपने कहा, ठीक है, आपने कहा कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर किले ठोक दिए, आपने 26 जनवरी की अगर घटना को अंजाम न दिया होता, उससे पहले किले नहीं ठुकी थी। आपने गांधी जी का जिक्र किया, क्या ये आपका जो आंदोलन है ये गांधी जी के दिखाए हुए रास्तों पर चल रहा है? अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो वो भी शर्म महसूस करते कि इस तरीके का आंदोलन जिसमें 9 लोगों की हत्या हो रही हो, इसके बाद किसी को उल्टा टांग कर तालिबानी रूप में उसको उल्टा लटकाया जा रहा हो, ये किसान आंदोलन है आपका? इसके बाद आपने एक और बात कही कि जो लोग इससे पहले 26 जनवरी की घटना में शामिल थे वो लोग सरकार के लोग थे, बीजेपी के लोग थे। इसके बाद आपने कहा कि निहंग सिख जो लोग शामिल थे, जिन्होंने पूरा कांड किया, जो घटना की, वो लोग भी सरकार के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। तो क्या सब लोग किसान आंदोलन के अंदर सरकार के साथ बैठकर ही चाय नाश्ता करते हैं? साबित मलिक साहब, आप कब सरकार के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर चुके हैं? आज सुबह कर आए हैं क्या, बताइए? ऐसा है, आपने कब चाय नाश्ता किया? जब किसान आंदोलन के अंदर हर शख्स, साबित मलिक साहब, जब किसान आंदोलन के अंदर हर शख्स चाय नाश्ता सरकार के साथ करता है, आपने आखिरी दफा कब चाय नाश्ता सरकार के साथ किया? अरे मेरे भाई, आप कहां से खुया पड़ गए आए हैं, एक ही बात बोल रहे। ये लोग आंदोलन कमजोर करने के लिए अपने लोगों को भेजते हैं। आप किन की तरफ से भेजे गए? तोड़ना चाहते हैं आंदोलन को, ठीक है। कैसे कैसे पहचान करें, आपकी पहचान मैं कैसे करूं? आप सरकार की तरफ से तो नहीं भेजे गए, कैसे पहचान करी जाएगी? सरकार की तरफ से ऐसे पहचान करी गई कि उनके साथ में इनके फोटो वायरल हो रहे हैं और वो वहां घटना को अंजाम दे रहे हैं। राकेश टिकैत साहब के बहुत सारे फोटो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, ये भी सरकार के हैं? ये भी सरकार के हैं? ऐसा है, जो लोग आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं वो सरकार से मिलके आते हैं। जिसके नरेंद्र मोदी के साथ में फोटो है वो अभी के नहीं है, ये लोग अभी के मिले हुए लोग हैं। राकेश टिकैत साहब तो 2014 से पहले के भी मिले हुए लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, 2012 में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की राकेश टिकैत के पंच से सरकार को कोस रहे थे और नई नई घोषणा कर रहे थे, अब क्यों नहीं वादा पूरा करते? 2011 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे MSP की गारंटी का अधिकार होना चाहिए, अब क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, आपसे सवाल किया। इन लोगों ने क्या किया है 2014 से अभी तक, पता है आपको? इन लोगों ने सीमेंट 180 रुपए का आता था 410 रुपए का कर दिया है। अच्छा, तो रेत की ट्रोली जो 1500 रुपए की आती थी 6,000 की आ रही है, बाइक जो 50,000 की आती थी 90,000 की आ रही है, मेडिकल बीमा जो एक ऐसे ऐसे क्या हो रहा है सावित मलिक साहब, ऐसे क्या होगा 4,100 में हो रहा है? ठीक है सावित मलिक साहब, ऐसे क्या होगा सावित मलिक साहब ऐसे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि किसान आंदोलन दरअसल चंद किल मुद्दों पर आया। आप कह रहे हैं कि सीमेंट के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए, अब वो छोड़िए ना, आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपके मुद्दे अलग। अच्छा, मतलब हम किसान है तो हम रोटी नहीं खाते हैं? हम रोटी, आप कल तक तो रोटी खिलाने की बात कर रहे थे, आज आप कह रहे हैं रोटी नहीं खाते। 25 पैसे किलो बढ़ा है DAP, इन्होंने बढ़ा दी 500 रुपए, डीजल इन्होंने 65 रुपए से 100 रुपए कर दिया है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अगर कल तीनों कृषि कानून, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, अगर कल तीनों कृषि कानून वापस ले लेती है, हाँ बताइए।
किसान की प्रतिदिन 27 रुपए आए हैं और गरीबी रेखा का आंकड़ा 80 रुपए रोज है और न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए से ऊपर है, ठीक है, तो किसान क्या करे, आंदोलन ना करे? ये झूठी सरकार 2022 में हमारी आय दुगनी कर रहे थे, एक फार्मूला बता दे कैसे आय दुगनी करेंगे। ठीक है, 27 रुपए में टेंट भी लगता है, 27 रुपए में एसी भी लग जाता है, 27 रुपए में खाना नहीं, किसान को चाहते सारा इंतजाम हो जाता है, फटे हुए कपड़े पहने, मैले कपड़े पहने, ये चाहते हो किसान को? आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा था, आप ही कह रहे हैं 27 रुपए उसकी आय है एक दिन की, मैंने नहीं कहा साबित मलिक साहब, आपने कहा 27 रुपए आए हैं, तो मैं वही आय जानना चाहता था। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। चलिए, आप सरकार की बात तो मानिए। नहीं नहीं, मैं आपकी बात मान लूंगा यहाँ पर ज्यादा। चलिए ठीक है, अनीता जी के पास आएंगे। अनीता अग्रवाल जी है, प्रवक्ता है बीजेपी के। अनीता जी, आप तो यही चाहती होंगी कि विवाद बनता रहे, पॉलिटिकल एजेंडा सेट होता रहे, राजनीति होती रहे, चुनाव में आपको फायदा होता रहे, किसानों को आप, जो भी किसान आंदोलन चल रहा है इसके बीच में जो भी कुछ भी घटना होती रहती है इसका आप पॉलिटिकल गेन लेती रहे, तो आपको तो फायदा ही हो रहा है, बीजेपी को तो पार्टी को फायदा हो रहा है। ये म्यूट है, इनकी आवाज खुलवाइए। अनीता जी, आपकी आवाज म्यूट आपने कर रखा है शायद। अच्छा, आप ठीक है, आप आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अनीता जी बुलंद आवाज आ रही है। हाँ, सत्ता के हनक भी दिख रही है, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन से हम लोग खुद ये कह रहे हैं, आप खुद सोचिए कि जो किसान खेतों में काम कर रहे हैं, उनका धान काटने का, गेहूं का काम है, वो सब काम में लगे हुए। ये कोई देखिए अनीता जी, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, खेतों में काम कर रहे हैं तो प्रदर्शन करने भी आ सकते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं, कुछ और बढ़िया लॉजिक। आगे मैं बात तो सुन, अरे बात तो सुनिए पूरी। हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो किया, आपने देखा है कि सिंधु बॉर्डर में क्या हुआ, आपने देखा 26 जनवरी को क्या हुआ, आपने देखा लखीमपुर में क्या हुआ। लखीमपुर के लिए सारे विपक्ष पार्टियां वहां पे पहुंच गई, छत्तीसगढ़ से आगे, पंजाब से आगे, सब आगे, लेकिन सिंधु बॉर्डर में जो इतनी दर्दनाक घटना हुई है कोई कुछ बोला? कश्मीर में इतनी समस्या हुई कोई बोला? ये असल में किसान आंदोलन नहीं, चुनावी अच्छा, बोलने का काम भी विपक्ष का है, आपका कोई काम नहीं है, आप सरकार में बैठी है, अगर गलत हुआ है तो आप करिए, एक्शन लीजिए, विपक्ष बोले आके, विपक्ष घूमे आके वहां पर, नहीं अरे हम तो एक्शन ले रहे हैं, मैं कह रही हूँ चुनावी आंदोलन है ये किसानी आंदोलन नहीं रह गया, ये चुनाव आंदोलन हो गया, क्योंकि तो सारी पार्टियां किसानों के साथ कंधे पे बंदूक रख के चला रही हैं और किसान भी अपने अरे तो आप सरकार में आप उस बंदूक को जब्त कर लीजिए। अरे तो आज देखिए, आप जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे, वो तो सरकार से तीन से कह ही नहीं है क्या? आप मतलब आप कह रही हैं कि आप, आपकी जो सरकार है इतनी ज्यादा ताकत नहीं रखती तो आप नहीं चला पा रहे हैं, इसका मतलब सरकार नहीं चला पा रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं सामने सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमारी सुन नहीं रहे। मैं क्या कह रही हूँ, सरकार की ताकत की बात ही नहीं है, किसान हमारे अपने, हम किसानों के साथ है, किसान हम तो उनसे कहते हैं आप हमें सुझाव दीजिए, संशोधन करें, ठीक है, जिद में अड़े हैं, अब जिद तो नहीं चलेगी ना, जिद तो नहीं चलेगी, आप जिद कर रहे हैं कि नहीं कि आप वापिस ही लीजिए। अरे कानून तो कई बने हैं, खाली किसानों कानून थोड़ी बन रहे हैं, कई कानून बने हैं और कानून पास भी हुए हैं और ये सदन में पास हो चुके हैं, अब आप अगर जिद में अड़े रहे तो आप गलत है ना, और आपको सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं आप जो जिद पर अड़ी है वो जिद सही है, ठीक है, आप जो जिद पर अड़ी है वो जिद सही है। सरकार ने कई कानून बनाया, खाली ये किसानों का नहीं बनाया, सारे कानून बने, सब लागू हो रहे हैं, लेकिन किसान इसमें क्यों अड़े हैं, अपना कोई सुझाव बता दें, हम संशोधन करने को तैयार है, इनके साथ बैठक करने को तैयार है। आप ये बता दीजिए इन कानून से किसान को 5 फायदे क्या होंगे, 5 फायदे बता दीजिए किसान को क्या होंगे इन कानून से। किसान की देखिए, किसान की दोगुनी आय बढ़ेगी, किसानों की बाजार बढ़ेगा, किसानों का अपने अपने रेट से दूसरे शहर में दे सकते हैं, किसान खुद, ये केवल बिचौलिए लोग जो है वो जो हंगामा कर रहे हैं। अरे मैडम, इनको 5 फायदे तो बता दीजिए, आपने 3 फायदे बताए बस, 5 तो बताइए कम से कम पूरे। मैं वही तो कह रही हूँ, MSP बढ़ेगी इनकी, इनके कहते बाजार बढ़ेगा, दूसरे शहर में देने जाएंगे और दोगुना किसानों के वो हो जाएंगे, अपने रेट से कर सकते हैं, जो रेट है वो अपने रेट पे बेच सकते हैं, अभी किसानों से कम रेट में लेते हैं और जाके दूसरे रेट में बेच, किसान पहले किसान कहीं भी बेच सकता था, आपकी सरकार में नहीं बेच सकता, आपने लागू कर दिया कि आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराइए, जिस तहसील में आप रहते हैं वहीं बेच सकते हो, केवल
अरे आप आके हमारा दिखवा दीजिए, हमारे यहाँ यूपी का किसान हरियाणा में ले जा रहा है, 50 ट्राली खड़ी है, दिखवा दीजिए। आपको मालूम है? नहीं, हम किसान है, हम बेचते हैं, हमें मालूम नहीं है। आप एसी में बैठी हो, आपको मालूम है? नहीं नहीं, आप पंजाब में, आपके पंजाब में लागू किया गया इसको, आगे और राज्यों में लागू किया गया। क्यों पंजाब में लागू? सही नहीं तो पंजाब में लागू? अरे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से हो, धान नहीं बिक पा रहा है। केवल ये चुनावी आंदोलन है, जहाँ चुनाव हो तभी। अच्छा बताइए, कर्नाटक में क्यों नहीं हो रहा, वहाँ पे मतलब चेन्नई में क्यों नहीं हो रहा, केवल यूपी में क्यों हो रहा? उसका कारण चुनावी आंदोलन है, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ आंदोलन करते हैं। ये साफ पता चले किसान आंदोलन नहीं, चुनावी आंदोलन है। जो विपक्ष तो आप डर रही हैं अनिता जी, आपको डर लग रहा है क्या इस आंदोलन से? इनको बुलाकर बात क्यों करते हैं? हमें कोई डर नहीं लग रहा, हमें कोई डर नहीं लग रहा। अगर ये किसानी आंदोलन नहीं है, इन लोगों को बुलाकर बात क्यों करते हैं? लखीमपुर खेरी में राकेश को लेकर क्यों गए? अच्छा लखीमपुर में एक बार बताइए आप हमें, लखीमपुर में शुरुआत कहाँ से हुई थी आप बताइए? वहाँ पे अगर एक काम कार्यक्रम है, आप कार्यक्रम को खराब करेंगे तो आप गाड़ी चढ़ाएंगे? मांग करे मंत्री, मंत्री को हटा दीजिए, हमने गाड़ी नहीं। अरे आपका मंत्री गुंडा है, आपका मंत्री हत्यारा है, उसके गुंडों ने हत्या की है। चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए, आपका मंत्री हत्यारा है। नहीं नहीं, उस देखिए उस गुंडे भेजकर किसानों को कुचलने का काम किया है। मलिक साहब देखिए, उस पर नहीं जाएंगे, उस पर बहुत बहस हो चुकी है मलिक साहब, उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, और भी मेहमान है हमारे साथ। ठीक है अनिता जी, समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है अनिता जी, आपने कहा कि चुनावी, ठीक है, चुनाव को देखते हुए सब आंदोलन जो है चल रहा है, आप ये कह रही है, ठीक है, आपकी बात मिल गई। ठीक है, आपकी बात मिल गई। ठीक है, विनोद सिंह जी भी हैं हमारे साथ कांग्रेस। विनोद सिंह जी भी हैं हमारे साथ कांग्रेस। विनोद सिंह जी, कभी कभी क्या होता है राजनीति में कि बैठे बिठाए, घर पर बैठे बिठाए एक बड़ा बढ़िया सा मुद्दा हाथ लग जाता है, जो राजनीति में कहीं ना कहीं आपको इनकैश करने का एक मौका दे देता है। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया मुद्दा है किसान आंदोलन, आप तो बढ़ा के इसको इनकैश कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी में सपा पीछे छूट गई, बसपा पीछे छूट गई, सबसे आगे कांग्रेस ने लपक के इसको पूरा लाइमलाइट, पूरा फोकस खा लिया। देखिए, आपके लिए तो महज किसान आंदोलन इतनी ही वैल्यू रखता होगा? देखिए, ये बहुत दुखद है आपको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कोई मुद्दा दिखता है, ये मुद्दा नहीं है, ये हमारे किसानों के भविष्य के प्रति जो सवाल है, जो शंकाएं हैं, जो उनकी, जो सरकार को एड्रेस करने का काम करना तो चाहिए। साबित मलिक साहब मुस्कुरा क्यों रहे हैं आपकी बातों पर? आपको छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वहां कहीं भी कुछ नहीं दिखेगा, किसान खुश हैं। अगर बस उत्तर प्रदेश में आपको नजर आ रही है ये सब। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार पार्टी की भूमिका अदा करते हुए, अनिता जी थोड़ा सा देखिए, किसानों के सम्मान में सैद्धांतिक नैतिक समर्थन कांग्रेस पार्टी दे रही है, पुरजोर तरीके से देगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी षड्यंत्र करे, जो भी अनीति आचरण करे, जितना भी दबाव करे, आपको लगता है कि साबित मलिक साहब आपके साबित मलिक साहब आपकी इन बातों में आने वाले हैं, आपको लगता है? देखिए, सवाल आप इसको ऐसे क्यों देखते हैं? नहीं, मैं ऐसे ही देखूंगा। देश को जुमलेबाज लोगों के हाथों में किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने के लिए, उनकी निर्मम हत्याएं कराने के लिए छोड़ दिया जाए, तब आपके आत्मा को संतुष्टि मिलेगी क्या? ये देश है, मजाक है क्या? सत्याग्रही तरीके 2014 से पहले मालिक आप ही के पास था, केंद्र में भी आप थे, सेंटर में भी आप थे, मजाक है क्या? आप उनको, उनका बचाव करने का काम करते हैं। दिल्ली की सीमा पर प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है, वो जाके नमस्ते ट्रंप करते हैं, अमेरिका में चुनाव जिताने का ठेका लेते हैं, उनको अपने किसानों की सुध नहीं ली जाती है। हजारों किसान इस संघर्ष में, इस सत्याग्रह आंदोलन में शहीद हो गए, उनके ऊपर कोई श्रद्धांजलि नहीं बनती है सरकार की। देखिए, ये भले सरकार में, लेकिन इनकी तानाशाही, मनमर्जी, जुमलेबाजी, इनके अनैतिक आचरण कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, इनको इनके सवालों पर लाएगी। और कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, किसानों को यह भरोसा होना चाहिए, आपके सभी दर्शकों को, सभी युवाओं को, महिलाओं को, शोषित को, उपेक्षित को, सबको यह भरोसा होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी जब तक है तब तक इन तानाशाही, जुमलेबाज, गोडसेबाजियों की मनमर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी, हम अपनी भूमिका, पूरी जिम्मेदारी, पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ उठाएंगे और कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। आप अकेले उठा रहे हैं और जो भी करना है, और भी विपक्षी पार्टियां हैं जो आपके साथ इस भूमिका में हैं?
वो है नहीं है कोई मतलब नहीं है। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी हम अपनी समझते हैं और कांग्रेस के और किसान भाइयों के साथ पूरी ईमानदारी पूरी गंभीरता पूरी निष्ठा के साथ खड़े हैं। कहां पर खड़े? उत्तर प्रदेश में खड़े हैं कि छत्तीसगढ़ में कि राजस्थान में कि पंजाब में? हर जगह खड़े हैं, इसीलिए जहां आप देख रहे हैं हमें पा रहे हैं, आप कहीं भी देखेंगे हम ही नजर आएंगे। ठीक है, तो राजस्थान में जो लाठीचार्ज हो रहा है उनके घर राहुल गांधी गए कि नहीं गए? देखिए हर आप कवर नहीं करते हैं, कवर कर लिया आप भारतीय जनता कवर कर लिया तभी तो सवाल कर लिया। मुद्रा में इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। आप किस मुद्रा में हैं? हम तो कह रहे हैं कहीं पर भी किसानों के साथ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। ठीक है ठीक है। सावित मलिक साहब, तो इतनी बड़ी पार्टी है इसका भी आपको सपोर्ट है, तो इनका सीधे सपोर्ट क्यों नहीं लेती आप? संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो कांग्रेस का सीधे रूप से सपोर्ट क्यों नहीं लेती, मंच साझा क्यों नहीं करती, जब इतनी प्रबल दावेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि जब तक हम हैं तब तक किसानों का कुछ नहीं हो सकता? देखो अगर विपक्ष कहीं होता तो आज किसानों को सड़कों पर ना होना पड़ता। हमारे देश में विपक्ष कमजोर है इसीलिए किसानों को खुद सड़कों पर है। जी ठीक है। और हमने जब से आंदोलन चला है हमने किसी भी विपक्षी पार्टी को या सत्ता पार्टी को माइक और मंच नहीं दिया है। बिल्कुल, यह आंदोलन किसानों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, लेकिन हम बता दें जिस रात एक काली रात आई थी किसानों को लाठियों से मारा जा रहा था और उनकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजीत सिंह सामने आए थे और उन्होंने किसानों को बचाने का काम किया। वो तो आपके साथ ही है। वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका किसानों के ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान है। ठीक है, तो विनोद मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, रालोद से ही है, तो सावित मलिक साहब ने तो साफ कर दिया कि आप तो उनके साथ ही हैं। तो क्या लगता है इस बार रालोद जो है वो चुनाव भी सर पर है, तो आप तो चुनावी पार्टी है, आप मत कहिएगा कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आप तो चुनाव लड़ना ही है, तो ये बताइए कि आपको लगता है कि किसान आंदोलन को साथ लेकर किसान आंदोलन के साथ ही बनकर इस बार चुनावों में कुछ अलग करिश्मा कुछ करने वाले हैं आप? जी विनोद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ विनोद साहब, मैं ये कह रहा था कि आप देखिए राजनीतिक पार्टी है, आप सीधे इंकार नहीं कर सकते कि चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, आपका चुनावों से लेना देना है, आप पार्टी में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे भी। ये बताइए कि आपको लगता है कि किसान आंदोलन के आप साथ हैं और आपके साथ किसान आंदोलन भी है, ये भी बात स्पष्ट है, तो आपको लगता है कि आपको कुछ फायदा होने वाला है आने वाले चुनावों में? ये तो निश्चित रूप से आप लोग देख रहे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मुख्य और जहां भी कोई घटना है किसानों के साथ खड़े होंगे, ऐसा किसानों के साथ लोग खड़े रहेंगे और हर लड़ाई लड़ने के लिए किसान के साथ कोई भी अत्याचार और किसानों के सम्मान में मैदान में आप देख भी रहे हर तरह से तैयार है। ठीक है, महापंचायत लेकिन हुई थी उसमें जैन चौधरी साहब नहीं दिखे, तो एक बार पहले भी महापंचायत जब जैन चौधरी साहब ने खुद की थी तब जैन चौधरी साहब ने खूब भारी भरकम भीड़ थी, लाखों की संख्या में बताया गया था कि लोग आए थे, लेकिन अभी जो लास्ट जो महापंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में वहां पर जैन चौधरी साहब नजर नहीं आए, कहा गया कि प्रशासन से अनुमति नहीं मिली, तो कौन सा प्रशासन है जो उन्हें अनुमति नहीं दे रहा था? ये तो जिला प्रशासन मिलती तो चौधरी साहब आते और उनको करने का प्रोग्राम था सम्मान के लिए कुछ वर्षा ठीक आ रहे थे। आरएलडी पहले तो केवल यही कार्य करते हैं, सम्मान करते हैं चौधरी साहब को, हमको सम्मान करेंगे और किसानों लड़ते हैं और किसानों के लिए लड़ेंगे। ठीक है, एक बात और समझने की कोशिश करूंगा कि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तब अगर उत्तर प्रदेश के इस बेल्ट की बात करूं, वेस्ट की बेल्ट बात करूं, तो सबसे आगे राकेश टिकैत साहब थे और भारतीय किसान यूनियन की ही ट्रैक्टर्स दिखते थे जब आते थे गाजीपुर बॉर्डर पर, तब रालोद कहीं नजर नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे किसान आंदोलन बड़ा होता चला गया वैसे ही रालोद भी किसान आंदोलन के साथ जुड़ गया, तो आपको क्या नहीं, आपको भी बढ़िया बैठे बैठाए मिल गया था सब कुछ? नहीं पहले दिन से था।
और नहीं साविद साहब कुछ बता रहे हैं, एक सेकंड विनोद जी आपको रोकूंगा, साविद साहब कुछ बता रहे हैं। जी जी साविद साहब, देखो जो किसान मोर्चे की पंचायत थी मैं जैन जी नहीं आना था, वो उसके ऊपर से फूलों की वर्षा करना चाहते थे, उनको हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं मिली। उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सपोर्ट दिया जब ये राकेश टिकैत जी की हत्या करना चाहते थे, वो सपोर्ट में आए, चौधरी साहब आए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि किसानों के आंदोलन में अगर आपने मना किया है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बुलाएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, और हमने ये अपना प्रण निभाया, आगे भी निभाएंगे कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रम होंगे उसमें कोई भी राजनीतिक दल या उसका नेता मंच पे नहीं आएगा और ना ही उसको माइक दिया जाएगा। आपने देखा लखीमपुर घटना में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, वहां पर भी जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी गए, वो नीचे मंच से बैठे, दर्शकों में बैठे, उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनको मंच पर कोई जगह नहीं मिली। तो ये आंदोलन किसान के लिए है, उसकी जमीन बचाने के लिए है, उसकी मंडी बचाने के लिए और देश का अनाज बचाने के लिए। ठीक है साविद मलिक साहब, आज तो आपने अपनी गाजीपुर बॉर्डर पर जो आपकी बाउंड्री आपने खुद बनाई हुई थी, जो बैरिकेड आपने खुद लगाए हुए थे, वो तो आपने हटा दिए, ठीक है। अगर कल दिल्ली पुलिस भी अपनी बैरिकेडिंग हटा देती है तो वो रास्ता खुल जाएगा, और अगर गाड़ियां निकलना उससे शुरू हो गई, एक बार आना जाना आवागमन शुरू हो गया, तो आप धीरे धीरे सिमटते चले जाएंगे, तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। हमने जो हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे थे उसी को सिद्ध करने के लिए उधर का वो हटाया है पर्दा, ताकि लोगों को पता लगे कि किसानों ने कभी सड़कें नहीं रोकी हैं, जो बैरिकेड लगाए हैं वो सरकार द्वारा लगाए गए हैं, और सरकार बैरिकेड हटाए हम दिल्ली जाएंगे अपना लाल किले वहां पर। अनिता जी आप अपना सिस्टम जरा म्यूट कर लीजिए। ठीक है हाँ बताइए साविद साहब। लेकिन साविद साहब, अगर मैं एक हाईवे पर बीच में खटिया डालकर बैठ जाऊं और मैं कहूं कि नहीं मैंने बैरिकेड नहीं लगाई है, कुछ भी जाम नहीं किया, लेकिन खटिया डालकर मैं बैठा तो हूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमको जाने नहीं देंगे तो हम कहां जाएंगे? हमारी जमीन छीनी जा रही, हमारी मंडी छीनी जा रही, हमारे देश का कोर्ट में आप पहले से जाकर बातचीत चल तो रही है, कोर्ट में पहले से बातचीत लगा हुआ है हमारा। अरे जितने किसान संगठन हैं वो जो धरना दे रहे हैं वो कोई कोर्ट नहीं गया है, हम कोर्ट क्यों जाएं? हमने सरकार को वोट दी है, सरकार ने हमसे वादे किए हैं, ये हमारे और सरकार का मामला है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्यों घसीटे इसमें? हमारी लड़ाई सरकार से है और हमारे वादे सरकार पूरा करेगी, ठीक है। हमारा कोर्ट से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। साविद साहब ये बताइए, आपके और सरकार की लड़ाई है, इसमें आम जनता क्यों पिसे, कब तक पिसे और कब तक ये सब चलता रहेगा? ये सरकार की कमी है, सरकार का निकम्मा, आपकी भी कमी है, आप अपनी तरफ से बताइए, अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए बताइए कि आप आम लोगों को कब तक परेशान करने वाले हैं? हम किसी को परेशान नहीं कर रहे और ना हम चाहते कि कोई परेशान हो, हम हर आदमी का सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं रास्ते खुले, आम पब्लिक आए, रास्ते खुलवाए, अगर ये नहीं खोल रहे हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आम पब्लिक के साथ, आम पब्लिक आए, आप कह रहे हैं स्थानीय लोग यहां पर आए? अरे जब सरकार रास्ते बंद किए, जिसको परेशानी आए रास्ता खुलवाए, हम उनका साथ देंगे रास्ता खुलवाने में। कल उनको भी बीजेपी का ही लोग बता देंगे, खुद ही झड़प कर लेंगे। चलिए ठीक है, अगर समय की कमी है थोड़ा सा, तोड़ दें और अंदर जाएं तो आप ही कहोगे कि ये तो गलत काम कर रहे हैं, हम क्यों गलत काम करेंगे? हम तो बैरिकेड तोड़ेंगे, जाएंगे रोकेंगे, वही बैठ जाएंगे। ठीक है अनिता जी जवाब दे रही है, अनिता जी ये बताइए, साविद मलिक साहब साफ कह रहे हैं कि हमने नहीं रास्ते रोके हैं, दरअसल रास्ते आप लोग रोक कर बैठे हुए हैं, अभी अगर ये तोड़ कर अंदर चले जाएंगे तो आप ही फिर। हाँ कौन बैठा है 26 जनवरी में? अगर इनको हम बैरिकेडिंग नहीं करेंगे तो 26 जनवरी की तरह हंगामा करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। अरे आप अपने लोग भेज के हंगामा करते हैं ना आंदोलन को कमजोर कराने के लिए, ये आपकी साजिश है, आपकी चाल है, हमारी दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर नहीं है। 26 जनवरी इतना देश का, अरे आज 26 जनवरी की घटना में कौन लोग शामिल थे ये भी देश को बताइए, उनको नाश्ता पानी खाना पीना कहाँ हो रहा था?
चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आज गृहमंत्री के साथ फोटो है, देश के प्रधानमंत्री आज थोड़ा सा ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा समय की कमी है। सावित मलिक साहब आपने बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिए आपका। सावित मलिक साहब आज समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए आज यहीं रुकना चाहूंगा। सावित मलिक साहब आपने बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद सिंह नेता कांग्रेस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उसके साथ ही रालोद से जुड़े हमारे साथी विनोद मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो हमारी जो चर्चा थी वो दरअसल ये थी कि लगातार सुप्रीम कोर्ट जब अपना डंडा चला रहा है, जब अपना हंटर चला रहा है और कह रहा है कि ठीक है आप रास्ते खाली करिए, आप पीछे हट जाइए, स्टे लगा है, आप मानिए, थोड़ा तो समझिए, लेकिन उसके बावजूद जो किसान नेता है किसान आंदोलन को खत्म करने का नाम नहीं ले रहे, तो इसमें पिस्ती जो भोली भाली जनता है आखिर इनका क्या कुछ कसूर है। चर्चाएं लगातार 11 महीने से हो रही हैं, कब तक होंगी या निश्चितकालीन तक होंगी यह ऐसा किसान नेताओं का कहना है। फिलहाल के लिए आज के सत्यमेव जयते में इतना ही, और सत्य यही है कि सब कुछ राजनीति है। आज इसी के साथ आपको छोड़कर जाता हूं, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी सत्यमेव जयते में, तब तक के लिए शुक्रिया।